अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट स्टूडेंट आर यू प्रेजेंट? ओके ओके टुडे आवर टॉपिक इज ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. नाउ ओपन योर सोशल स्टडी बुक चैप्टर नंबर वन. चैप्टर नंबर वन नेम इज ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. पेज नंबर वन. ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. द मुस्लिम वर्ल्ड, व्हाट इज मीन बाय द मुस्लिम वर्ल्ड? मुस्लिम वर्ल्ड मीन मुस्लिम दुनिया. व्हाट? मुस्लिम दुनिया. इससे मुराद जो मुसलमान जो दुनिया इस्लाम है, मुस्लिम दुनिया है. जितनी इस्लामिक इस्लामिक कंट्रीज हैं उसी से मुराद है मुस्लिम वर्ल्ड. Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. Now it is about the Muslim world. So the religion of the Muslim country is Islam. Okay. Yesterday we also explained Muslim country that what will be a Muslim country where the government declared what. Where the government declared that what that they are Islamic country and where majority of population is Muslim, that country will be included in the list of the Muslim world. Okay, student, आपको पता है how many country are there in Muslim world? कितनी country हमारी जो Islamic country है? How many country are now officially there are 55 कंट्री. ओके जिसके मुताबिक अगर हम देख लिए अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन. अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या है? इस्लामिक कंट्री वो कंट्री होती है जहां पर आबादी क्या हो, ज्यादा हो मुसलमानों की, ठीक है. और वहां की गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर किया और दैट द गवर्नमेंट आल्सो डिक्लेयर दैट दे आर इस्लामिक स्टेट. नाउ इफ वी लुक टू द एग्जांपल ऑफ इस्लामिक स्टेट, Iran, Saudi Arabia, Turkey, Pakistan, they are Islamic countries. Why? Because in this country, the government of Saudi Arabia officially announced that they are Islamic country. Okay? And now also, population of Saudi Arabia is what? Majority of Muslim. That's why it is in the list of the Muslim world. Okay? Now if you look to the graph on page number 1, the graph bar there showed different religion, the ratio, the percentage. Yahan par aapko percentage show kiya gaya hai four religion. Okay, one is Christianity, another is Islam, Hinduism and Buddhism. Okay, yahi par aapko jo char bade mazhab ke jo फॉलोअर्स हैं, जो पैरोकार हैं, जो मानने वाले हैं इस्लाम के, वो आपको एक ग्राफ की शक्ल में दिया गया है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस बार ग्राफ द नंबर ऑफ इस्लाम, द नंबर ऑफ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द सेकंड वन इज इस्लाम. यहाँ पर जो आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे सेकंड नंबर पर, वो इस्लाम है, वो मुसलमान है. दुनिया में ज्यादा आबादी के लिहाज से अगर देख ले तो वो सेकंड नंबर पर रिलीजन इस्लाम है. फर्स्ट पर क्या है? फर्स्ट पर क्रिश्चियनिटी. सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना मजहब के जो उसी के पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है. उसकी परसेंटेज कितनी है? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है, ये बार देख ले आपको, और एक वर्टिकल है. लुक एट द बार, द बार ग्राफ. एक साइड पर क्या है? आपको यहां पर परसेंटेज है, ये देख ले आपको नजर आ रहा है. एक साइड पर परसेंटेज है वर्टिकली. वर्टिकली आपकी वो परसेंटेज लिखा गया, ठीक है. नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आपको
नेम्स दिए गए हैं, ठीक है, उसी मजहब के फॉलोअर्स के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है 33%, सेकेंड मुस्लिम है 21%, थर्ड हिंदू है 14% और बुद्धिस्ट 6%। यहाँ पर आप लोग कहेंगे डेट अदर्स, जो अदर है वो 26% है। नहीं, अदर जो सेकंड नंबर पर वो अदर्स नहीं है, क्योंकि इट इज अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजन। यहाँ पर अदर्स में अगर देख ले, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन हैं, ठीक है। इस चारों के अलावा जितनी भी मजाहिब हैं उसी के पैरोकार जो फॉलोअर्स हैं वो 26% है, ठीक है। Now let's start to the reading. The graph below shows the estimated number. Estimated mean एक अंदाजा, जो अंदाजे के मुताबिक उसी के एक लगाए गए अंदाजा उसी पैरोकार के मुख्तलिफ मजाहिब के, तो इसके फोर जो मेन रिलीजन है दुनिया के उसी के बारे में बताया गया है। नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द फोर मेन रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया में। फॉर दिस बुक वी विल टेक द मुस्लिम वर्ल्ड टू मीन दोस कंट्रीज whose government have declared that they are Islamic state. Now I already explained the definition of the Muslim world that in class 7 book. You, the Muslim world mean that countries, those countries will be included in this list in the Muslim world where the government declared that they are Islamic state. Example are Iran, Saudi Arabia, Pakistan, Turkey, Iran, Iraq, etc. And also those country where majority mean aksariyat, large in number, majority mean large in number of population is Islam, is Muslim. Population mean abadi, kya population mean abadi, to wahan par zyada abadi kya hogi, majority kiski hogi, wahan par musalmanon ki hogi, okay. Look at the third paragraph. Now in the third paragraph, it is the location of the Muslim world, okay? The Muslim world stretches about 15,000 kilometers east to west and 6,000 kilometers north to south. यहाँ पर जो मुस्लिम दुनिया है वो फैली हुई है कितने रकबे पर, मतलब जितना किलोमीटर आपको बताए गए हैं वही बताए गए 15,000। आपको डायरेक्शन बताया गया है ईस्ट टू वेस्ट और 6,000 नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट पेज आप ओपन करें, पेज नंबर 2, आपको इसी के मैं लोकेशन बताता हूँ पेज नंबर 2 की। अब ओपन करें, शाबाश, ओपन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर आप देख लें फर्स्ट मैप जो है, पॉलिटिकल मैप, ओके, नजर आ रहे हैं सबको पॉलिटिकल मैप शोइंग द मुस्लिम वर्ल्ड, आपको मुस्लिम वर्ल्ड शो कर रहा है, ठीक है। ये मैप है, आपको नजर आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख लें मोरक्को से स्टार्ट में देख लें, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पर देख लें, आपको जो ग्रीन कलर में आ रहा है ना मैप, ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड है, क्या है, ये सारी मुस्लिम वर्ल्ड है। जितनी भी ग्रीन कलर आ रहे स्टार्ट लेकर उन्होंने कहाँ से स्टार्ट है दुनिया इस्लाम, वो मोरक्को से स्टार्ट है। इट स्टार्ट फ्रॉम द कंट्री मोरक्को एंड एंड इज इंडोनेशिया, और कहाँ तक फैली हुई है, इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया के आइसलैंड तक फैली हुई है, उनकी जजायर तक फैली हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है, जितनी भी ग्रीन कलर के है, ओके, सब आपको नजर आएंगे। अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, ठीक है, मोरक्को है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ये सब इराक है, और लास्ट में आप आ जाइए राइट साइड पर, लास्ट में आपको इंडोनेशिया आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, जजीरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तक वो क्या है, ये फैली हुई है। तो ये कहाँ से फैली हुई है, स्ट्रेचेस अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, आपको ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। अब डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर मैप में आपको बुक में देख ले, आपको डायरेक्शन दिया गया है,
तो उसमें डायरेक्शन ईस्ट से, ईस्ट में क्या है, इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया से लेकर वेस्ट में मोरक्को है, तो इसकी वो कितनी किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो 15,000 तक है, कितनी 15,000, ये हाईलाइट करें, हाईलाइट दिस, एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ यानी नीचे तक आप देख रहे, तो वहां पर इसकी जो फैला हुआ है ये दुनिया इस्लाम, वो 6,000 किलोमीटर पर है, क्लियर, ओके। इनसाइड दिस वास रीजन देयर आर बाउंड टू बी मैनी डिफरेंसेस, यहां पर जो वसी रीजन है वो क्या है, बाउंड मीन लाजिम, हियर द वर्ड बाउंड मीन वर्ड लाजिम, यहां पर क्या है, टू बी मैनी डिफरेंसेस, डिफरेंसेस द वर्ड डिफरेंसेस मीन इख्तिलाफात, ओके, तो यहाँ पर लाजिम है, यहाँ पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, ठीक है, इख्तिलाफात क्यों पाए जाते हैं, ये इख्तिलाफात असल में ये नहीं है डिफरेंसेस, ठीक है, असल में इट इज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, उसी कल्चर के लिहाज से, तो पाकिस्तान का कल्चर अलग होगा, सऊदी अरेबिया का कल्चर अलग होगा, तो इसलिए डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन कंट्रीज में इख्तिलाफात पाए जाते हैं, ब्रिटिश मीन फैला हुआ, ओके, मीन फैला हुआ, राइट द मीनिंग ऑफ स्ट्रिजिस, फैला हुआ, अब मैं बात कर रहा था डिफरेंसेस के बारे में, अबाउट द डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एक्सेट्रा, अब इनके जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तिलाफात पाए जाते हैं वो क्या होंगे, सऊदी की जुबान अरबिक है, पाकिस्तान की उर्दू है, तो यही डिफरेंस पाए जाएंगे, अलग कंट्री अलग लैंग्वेज होगी, अलग कंट्री की अलग कल्चर होगी, ठीक है, वहाँ पर कस्टम ट्रेडिशन अलग अलग होंगे हर कंट्री के दूसरी कंट्री से, तो वो डिफरेंसेस होंगे। नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस, नाउ द सेकेंड सेंटेंस, first of all this is about the differences in the first line second last line it is about the differences and in the last line but the whole area is bound together by faith in Islam the prophet peace be upon him and the quran yahan par ab kya hai bound yahan par jude hue kya honge bound yahan par kya hai book mein aap log dekh le बुक में देख लिया ओके थर्ड पैराग्राफ में बाउंड टुगेदर बाय फेथ इन इस्लाम फेथ मीन अकीदा यहाँ पर अकीदा मुराद है तो इनका जो अकीदा या मजहब मजहब इनका क्या होगा जो जुड़ी हुई है वो एक मजहब से जुड़ी हुई है दे बाउंड बाय वन रिलीजन एंड दैट रिलीजन इज रिलीजन इस्लाम ओके द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान अगर अब यहाँ पर देख ले ये सब जुड़े हुए हैं एक इस्लाम अब ये सारी जुड़ी हुई है किस चीज से इस्लाम से अगर हम यहाँ पर देख ले सऊदी का रिलीजन भी इस्लाम है ठीक है जो अकायद उनके हैं वो हमारे भी हैं ठीक है हमारा जो प्रॉफिट है लास्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लम वही प्रॉफिट सारी मुस्लिम वर्ल्ड के वे ठीक है इस्लाम जो बातें कर रहे हैं ना वो सारी इस दुनिया में एक जैसी होंगी ठीक है सारी ब्रदरहुड यानी सब जब हम कहेंगे ना इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह ठीक है जब ये कलमा पढ़ने वाले होंगे तो सारे वो मुसलमान इसी नाम से इसी इस्लाम के नाम से जुड़ जाएंगे मतलब जो भाईचारे का जो ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है जो टीचिंग है कि तमाम मुसलमान क्या है बाई बाई है तो वही इस रिलीजन की वजह से बॉन्ड टुगेदर बाय द फेथ इन इस्लाम ओके तो ये मजहब इस्लाम की वजह से ये जुड़े हुए हैं ओके अभी टाइम खत्म हो गया ठीक है
अपने साथ होमवर्क नोट कर ले, आज के लिए ये काफ़ी है। होमवर्क में आप लिख लें राइट 20 इस्लामिक कंट्रीज, ओके, नेम ऑफ 20 इस्लामिक कंट्री एंड आल्सो राइट देयर कैपिटल। वो इस्लामिक, आप लोग 20 इस्लामिक कंट्रीज के नाम लिखेंगे रफ नोटबुक में और इसके कैपिटल का नाम भी लिखेंगे। ओके, थैंक यू।